हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकंड बुक, जो की है सेमी कंडक्टर डिवाइसेज। एंड इसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसी ब्रिजेस। इस चैप्टर में मेनली हम किन ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एसी ब्रिज के लिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कई सारे ब्रिज हैं जिनके हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैक्सवेल के ब्रिज हो गए। मैक्सवेल ने टू टाइप के ब्रिजेस दिए थे, एक तो जिसको कहा गया मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और एक है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी कि मैक्सवेल का एलसी ब्रिज भी हम उसको बोलते हैं। एक इसमें है आपका वेन्स ब्रिज, श्रीरिंग्स ब्रिज, डी सोर्टीज ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज, कई सारे ब्रिजेस इसमें है चैप्टर में। लेकिन मेनली जो आपको पढ़नी है, जो की इम्पोर्टेंट है, वो तो एक तो हमें इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ही पढ़नी है। सेकेंड इसमें मैक्सवेल ने जो दोनों ब्रिज दिए थे वो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे, वेन्स ब्रिज को कवर करेंगे और सिरिंग्स ब्रिज को कवर करेंगे। अब इन ब्रिजेस का हम यूज किस लिए करते हैं, तो देखो इनमें से कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनका यूज हम इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, कुछ ब्रिज इसमें ऐसे हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये थ्योरी सी लिखी हुई है, ये कुछ आपको याद नहीं करनी, बस आपको अपने माइंड में रखनी है और ऑब्जेक्टिव वालों को ये अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये वाला जो ब्रिज है इसका यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो शॉर्ट नोट लिखा हुआ है ये याद होना चाहिए, और सब्जेक्टिव वालों को ये याद रखने की इतना खास ज्यादा जरूरत नहीं है, बस माइंड में आपके होना चाहिए, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी उसका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए कि इसमें हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एसी ब्रिज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंडक्टेंस, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस, अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो एसी ब्रिजेस हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, सभी कैसे होंगे, आपके एसी ब्रिज ही होंगे जिनका भी मैंने नाम बताया, तो ये सब कैसे होते हैं, एसी ब्रिज होते हैं। और ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसको फाइंड आउट करने में, इंडक्टेंस को, एक्यूरेट मेजरमेंट किसका, जो स्मॉल कैपेसिटेंस होते हैं उनको फाइंड आउट करने में, अननोन फ्रीक्वेंसी हो गई एसी सोर्स की, तो इन सबको फाइंड आउट करने में हम किसका यूज करते हैं, एसी ब्रिज का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सबको फाइंड आउट करने में। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज, वेन्स ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज, ये सब यूज किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इन सबका यूज किस लिए करते हैं, इंडक्टेंस एल को मेजर करने के लिए। और वेयर एज वेन्स ब्रिज, श्रीरिंग्स ब्रिज, डी सोर्टीज ब्रिज आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। जबकि जो हमारा वेन्स ब्रिज हो गया, श्रीरिंग्स ब्रिज हो गया, डी सोर्टीज ब्रिज हो गया, इन सबका यूज हम किसके लिए करते हैं, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। देख बात बताइए, यहाँ पे भी आपने वेन्स ब्रिज लिख दिया, यहाँ पे भी वेन्स ब्रिज लिख दिया, तो वेन्स ब्रिज जो है उसका यूज हम इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस दोनों को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को फाइंड, मतलब जो हमारे पास में वेन्स ब्रिज है इसका यूज हम, इसका यूज करके कैपेसिटेंस सी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इंडक्टेंस एल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी मैक्सवेल के दो ब्रिज है, जिसमें से कि एक तो किसके लिए है, सिर्फ इंडक्टेंस के लिए, और दूसरा ब्रिज जो होगा वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के लिए होगा। तो इसमें से कौन कौन से ब्रिज इंपॉर्टेंट है हमारे, एक तो मैक्सवेल का ब्रिज और एक इसमें वेन्स ब्रिज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे सीडिंग्स ब्रिज, और एक इसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है किसके लिए, एसी ब्रिज के लिए, वो पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आपको इस वाले चैप्टर से कुछ भी करने की नीड नहीं है, सिर्फ अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं ब्रिजेस में से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनका जो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आपको याद रखना है कि मैक्सवेल ब्रिज, वेन्स ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज, इन सबका यूज करते हैं इंडक्टेंस एल को फाइंड आउट करने में, वेन्स ब्रिज, श्रीरिंग्स ब्रिज और डी सोर्टीज ब्रिज का यूज करते हैं क्या करने में, कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाओगे किसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस इन एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में संतुलन के लिए जनरल कंडीशन क्या है। सो द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एसी नेटवर्क, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है किसके लिए, एसी नेटवर्क के लिए। सपोज वी हैव व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS हूज आर्म्स हैव इम्पीडेंस Z1, Z3, Z2, Z4। हमने मान लिया कि PQRS ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है,
इसकी जो आर्म्स है उनका इम्पीडेंस क्या क्या है, हमने मान लिया जो पी क्यू आर्म है इसका इम्पीडेंस ले लिया Z1, जो हमारे पास में क्यू आर आर्म है इसका इम्पीडेंस ले लिया Z3, जो हमारे पास में क्यू एस आर्म है इसका इम्पीडेंस ले लिया Z2, और जो आर एस है इसका इम्पीडेंस ले लिया हमने क्या Z4। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से देखो करंट फ्लो कर रही है एसी नेटवर्क से, तो यहाँ से ये एक तो गई इधर की साइड को और एक बार आई इधर की साइड को, फिर यहाँ से जाने के बाद भी इधर की साइड को, यहाँ से जाने के बाद भी ये तो चली गई इधर को और इसका कुछ पार्ट आ गया इधर की साइड को। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास में लूप बनी इसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ के लो अप्लाई करेंगे। सो लेट एसी सोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट पी एंड आर ऑफ द ब्रिज, हमने मान लिया जो ब्रिज है इसमें जो हमारा पी और आर पॉइंट है इसके बीच में हमने क्या कर दिए एसी सोर्स अप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। एंड इम्पीडेंस जेडी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट पी बिटवीन पॉइंट क्यू एंड एस, और जो पॉइंट क्यू और एस है इनके बीच में हमने एक इम्पीडेंस जेडी कनेक्ट कर दिया, किस पे, ये जो डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे इसके थ्रू, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में लूप बन रही है कौन कौन सी, पी क्यू एस पी और एक बन रही है क्यू आर एस क्यू, तो इनमें हम क्या लगाएंगे, जो किरचॉफ के दो लो पढ़ाए थे आपको, एक तो किरचॉफ का क्या था करंट लो, सेकेंड लो क्या था किरचॉफ का वोल्टेज लो, तो किरचॉफ का वोल्टेज लो अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लो, कौन सा था किरचॉफ का सेकेंड लो, यानी कि जो हमारा केवीएल लो था किरचॉफ का वोल्टेज लो इन लूप, कौन कौन सी लूप में, एक बार तो पी क्यू एस पी में, पी क्यू एस पी एंड इन एंड सेकेंड लूप कौन सी होगी क्यू आर एस क्यू, इन दोनों लूप में लगाओ। तो यहां से देखो सबसे पहले करंट क्या फ्लो रही है I1 और इम्पीडेंस है Z1, तो टर्म आ जाएगी I1 Z1, उसके बाद में फिर यहाँ से इधर के साइड को करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगी IDZD, नीचे को फ्लो कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा IDZD। अब यहाँ से अगर हम SP की तरफ को देखेंगे तो करंट क्या कर रही है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करनी तो ऐसे चाहिए, कर रही है ऐसे, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या आएगा -KI2Z2 और इज इक्वल्स टू में क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं तो देखो I3Z3 तो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ से इधर की साइड को करंट फ्लो कर रहा है तो ये वाली जो डायरेक्शन शो हो रही है करंट की ये नीचे को हो रही है, जबकि करंट हमारा जाना ऐसे चाहिए, तो जो डायरेक्शन है वो होनी इस टाइप को चाहिए, जब हमारी डायरेक्शन होनी इस तरफ को चाहिए है इस तरफ को, तो इस कंडीशन में ये वाली जो टर्म है ये भी कैसी आ जाएगी बच्चा, निगेटिव आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ की, अब इधर की साइड को जा रहा है तो ऊपर को जाना चाहिए और करंट आ कैसे रही है नीचे की तरफ को, तो इसके लिए ये वाली टर्म भी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। समझ में आ गई बात, देखो एक बार दोबारा से समझ लो इस वाले का, ये वाली हमारी फ्लो इधर की साइड को कर रहा है करंट, तो ये तो हो गए पॉजिटिव, अब करंट जानी चाहिए ऐसे इधर को, तो इधर को जाने के लिए करंट ऊपर की साइड को फ्लो करनी चाहिए, कर नीचे की तरफ फ्लो रही है, तो इस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। और फिर यहां से आने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या होगी, करंट ऊपर को फ्लो करेगी तभी तो इधर को जाके जाएगी और जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू भी कैसी आएगी हमारे पास में, निगेटिव आएगी सेकंड वाली लूप के लिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर हम देखें कि मान लिया जो करंट फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, इस डिटेक्टर के थ्रू, वो कैसा होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए, क्योंकि डिटेक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर इट मस्ट बी 0। सो मतलब क्या है कि जो हमारे पास में टर्म है आईडी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सो इस कंडीशन में ये वाली जो टर्म है ये देखो क्या आएगी यहां से I1 Z1, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, पहले लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, आईडी की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहां से आपको क्या मिलेगा I1 Z1
और ये टर्म माइनस की दूसरी साइड लेकर के जाओगे तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। इस वाली टर्म में देखोगे, ये वाली टर्म जब हम आईडी के प्लेस पे जीरो पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये माइनस का दूसरी साइड प्लस में चला जाएगा, तो यहां से आपको टर्म मिलेगी i3z3 = i4z4। ये आ गई क्या इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन आ गई। एक बार पहले जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में यहां से आगे देखेगा। हमारे पास में कंडीशन आ गई, अगर हम क्या कर दें, इस कंप्लीट जो हमारे पास में रेडस्टोन ब्रिज है PQRS, इसमें अगर हम Q और S पॉइंट पे जो हमारा किरचॉफ का क्या है करंट लो है वो अप्लाई कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली जो करंट I1 है वो I3 के इक्वल हो जाएगी और I2 हमारी I4 के इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप, नाउ अप्लाइंग KCL बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड S, तो Q और S पॉइंट के बीच में जब हम क्या करेंगे KCL लो अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन जो I1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा I3 के, एंड I2 किसके इक्वल हो जाएगा I4 के इक्वल आ जाएगा। सो इस कंडीशन में अगर आप देखो, ये जो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है इनको सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। एक बार यहां से ऊपर हल्का सा रफ कर रही हूं, एक बार इतना नोट कर लीजिए। तो यहां से आगे देखिएगा, जब आप I1 के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, I3 पुट कर दोगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, I3z1 = यहाँ पे I2 के प्लेस पे I4 पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा I4z2। अब ये जो हमारे पास में I है कौन सी, इसको लिख देना है यहाँ पे, फोर्थ से मत लिखना, इक्वेशन थर्ड से लिख देना। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब क्या कर दीजिए आप, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या लिखोगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फिफ्थ बाय इक्वेशन फोर्थ, तो देखिएगा यहां से टर्म आ जाएगी I3z1 / I3z3, यहां से टर्म आएगी I4z2 / I4z4, I4 से I3 कैंसिल आउट, सो z1 / z3 किसकी इक्वल आ गया, z2 / z4 के इक्वल आ गया, और यही क्या आ गई, बैलेंस कंडीशन आ गई। दिस इज बैलेंस कंडीशन फॉर एसी ब्रिज, यही क्या है, एसी ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वैसे तो इजी सा था, नोट कर लीजिए। सो देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट है मैक्सवेल्स का जो इंडक्टेंस ब्रिज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज द मोस्ट सिंपल एसी ब्रिज टू डिटरमाइन एन अननोन इंडक्टेंस एल बाय कंपेयरिंग इट विद अ नॉन इंडक्टेंस L1। यानी कि ये जो मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज है ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एसी ब्रिज है जिसका यूज करते हैं हम किसको डिटरमाइन करने में, जो अननोन इंडक्टेंस L है उसको डिटरमाइन करने में, किसके कंपैरिजन में, जो नॉन इंडक्टेंस L1 होगा उसके कंपैरिजन में। सो इन दिस सर्किट आर्म PQ कंटेन्स अ कॉइल ऑफ नॉन इंडक्टेंस L1 एंड अ रेजिस्टेंस R1। देखो ये जो सर्किट है इसमें हमने क्या क्या यूज किया हुआ है वही सारे थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, अलग से बाहर से कुछ भी नहीं लिखना, क्या आपको रटना पड़ेगा या बना के लिखना पड़ेगा, अगर आपको डायग्राम याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने आप लिख सकते हो। पहले तो क्या लिखोगे कि ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा ब्रिज है और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अननोन इंडक्टेंस को डिटरमाइन करने में, किसकी कंपैरिजन में, नॉन इंडक्टेंस L1 की कंपैरिजन में। तो इसमें इस वाले सर्किट में जो PQ आर्म है इसमें क्या होगा, एक नॉन इंडक्टेंस होगा L1 और एक रेजिस्टेंस क्या होगा R1 होगा।
जो इसमें आर पी एस है, क्या लिखा हुआ है, आर पी एस कंसिस्ट ऑफ द अननोन इंडक्टेंस एल एंड अ रेजिस्टेंस आर टू, यानी कि जो हमारे पास में आर पी एस है इसमें क्या लगा हुआ हुआ, एक अननोन इंडक्टेंस एल, इसमें कैसा था, ये नॉन इंडक्टेंस था एल वन, इसमें क्या है अननोन इंडक्टेंस है एल और रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर टू, और जो हमारे पास में बाकी की बची हुई दो आर्म्स है क्यू आर और क्यू एस, इसमें क्या लगे होंगे, प्योर रेजिस्टेंस लगे होंगे इसमें आर थ्री और इसमें आर फोर, वही चीज लिखी हुई है, एंड अ रेजिस्टेंस द आर्म क्यू आर एंड आर एस कंटेन प्योर रेजिस्टेंस आर थ्री एंड आर फोर, यानी कि जो आर्म क्यू आर और आर एस है इसमें ये क्या कंसिस्ट रखती है, ये क्या रखती है, दो प्योर रेजिस्टेंस रखती है, ये आर थ्री और ये क्या रखता है आर फोर रखता है। हम जानते हैं जो जनरल बैलेंस कंडीशन होती है एसी ब्रिज के लिए, वो भी हमने फाइंड आउट की क्या थी, Z1 upon Z3 is equal to Z2 upon Z4। तो इतना सब कुछ रटने की नीड नहीं है, अगर आप डायग्राम समझ लेते हो, डायग्राम आपको याद है तो उसके साथ इजीली आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी इतनी ज्यादा टफ या लेंथी नहीं कि आपसे होगी नहीं, बहुत इजी है। देखो कैसे, सबसे पहले हमने कंडीशन लिख ली, इसके बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको Z1, Z2, Z3 और Z4 की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट आर्म है PQ, तो PQ के लिए हमें क्या मिलेगा Z1, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से Z1 की वैल्यू निकालते हैं तो Z1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है R1 प्लस जे ओमेगा, जो इम्पीडेंस जो इंडक्टेंस लगा हुआ है वो क्या है L1 है, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, Z1 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू देखेंगे, Z3 की वैल्यू देखेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास में, R3 के इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा जो हमारे पास में बैलेंस कंडीशन थी वो क्या आई थी, उसमें यहाँ पे हमने इस वाली आर्म के लिए जो हमने क्या लिया था, Z1 लिया था इम्पीडेंस, इसके लिए Z3, इसके लिए Z2 और इसके लिए Z4, तो सीधी सी बात है Z1 के लिए हम ये वाली आर्म लेंगे, Z2 के लिए ये वाली, Z3 के लिए ये वाली और Z4 के लिए ये वाली, उसके बाद में Z3 की वैल्यू निकल गई। अगर हम Z2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके लिए आएगी, इस वाली आर्म के लिए, तो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस है R2, जे ओमेगा, इंडक्टेंस क्या लगा हुआ है यहाँ पे L, और अगर Z4 के लिए निकालोगे तो इसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना R4। तो अब ये जो वैल्यूज आई है Z1, Z3, Z2 और Z4 की, इनको किसमें पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो Z1 की जगह कितना आ जाएगा, R1 प्लस जे ओमेगा L1 डिवाइडेड बाय Z3 के प्लेस पे R3, Z2 के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे R2 प्लस जे ओमेगा L डिवाइडेड बाय Z4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी R4, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे तो R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4, R3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे R2 प्लस जे ओमेगा L इंटू R3। तो एक बार यहां से आगे देखिएगा, अब क्या कर देंगे हम, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो R4 की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा यहां से आपको, R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 और इज इक्वल्स टू, में इधर R3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R2 R3 प्लस जे ओमेगा L R3, ये वैल्यूज मिलेंगी दोनों साइड। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम जे को ऐसे बाहर ले लें ब्रैकेट से, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये तो कैसी है हमारे पास में इमेजिनरी टर्म है, और ये कैसी है रियल टर्म है, तो क्या कर देंगे हम दोनों साइड इक्वेटिंग कर देंगे रियल और इमेजिनरी टर्म्स को, तो क्या लिखोगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जब हम रियल और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर करेंगे एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, यहां से आगे देखिएगा, अगर हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं तो यहां से आप देखोगे R1 R4 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, आपका R2 R3 के, अगर हम R3 को यहां लेकर के आ जाए इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यहां से R4 में मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेकर के आ जाए तो हमें क्या मिलेगा R1 upon R3 किसके इक्वल
अपॉन आर फोर के इक्वल आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई। एंड अगर हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं, तो यहां से आप देखोगे इधर की साइड क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ओमेगा एल वन आर फोर किसके इक्वल आएगा, ये हमारा ओमेगा एल आर थ्री के। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, इंप्लाइज दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल आर थ्री इज इक्वल टू एल वन आर फोर की फॉर्म में। कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एल की। एल किया था यहाँ पे हमारा अननोन इंडक्टेंस था, जिसको हमें क्या करना था, डिटरमाइन करना था, फाइंड आउट करना था। मैक्सवेल के जो इंडक्टेंस ब्रिज है उसमें क्या करना है, इंडक्टेंस को ही तो फाइंड आउट करना है, यानी कि एल को। तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में आर थ्री, ये कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाला जो मैक्सवेल के इंडक्टेंस ब्रिज था, ये इसके कॉन्क्लूजन निकले थे। एक बार इसको थ्योरी वे में और इसका जो क्या होगी डिसएडवांटेजेस होगी वो करेंगे। एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। सो देखिएगा, अभी जो मैंने आपको दो टर्म्स फाइंड आउट कराई थी, एक तो आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर वाली, और एक एल इज इक्वल टू एल वन इन टू वाली। तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को मान लेना इक्वेशन ए और सेकंड को मान लेना इक्वेशन बी। एंड उसके बाद में आप लाइन लिखोगे कि इट शोज दैट, ये क्या शो करता है कि जो इक्वेशन ए है वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी किसके, डीसी बैलेंस के, और जो इक्वेशन बी है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, एसी बैलेंस के, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जो हमारा क्या था, मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज था। सो दिस मैक्सवेल इंडक्टिव ब्रिज सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस दैट, ये क्या क्या डिसएडवांटेजेस रखता है कि दीज टू कंडीशंस ऑफ बैलेंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम वन अनदर। यानी कि जो हमने दोनों कंडीशन निकाली ना, जो इक्वेशन ए और बी अभी मैं बता रही हूँ, वे जो दोनों की दोनों कंडीशन है वो क्या करती है, एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करती है। बिकॉज क्यों नहीं करती, क्योंकि अ चेंज इन एल कॉजेज अ चेंज इन आर टू। आपने देखा था जो हमने अननोन इंडक्टेंस लगाया हुआ था, एल वो किसके साथ में लगा हुआ था, रेजिस्टेंस आर टू के साथ में लगा हुआ था। तो मतलब क्या है कि अगर हम इंडक्टेंस में चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है आर टू उसमें भी चेंज होगा। तो ये कारण है, क्या कारण है ये, जिसके कारण जो दोनों की दोनों हमने कंडीशंस निकाली है बैलेंस के लिए, वो दोनों की दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। सो देयरफॉर द बैलेंसिंग ऑफ एन एसी ब्रिज इज डिफिकल्ट। तो इस कारण जो बैलेंसिंग होगी किसकी, एसी ब्रिज की, वो डिफिकल्ट होगी देन अ सिंपल डीसी रेजिस्टेंस ब्रिज। एक सिंपल डीसी रेजिस्टेंस ब्रिज से, इन विच जिसमें की ओनली वन कंडीशन ऑफ बैलेंस दिस इज टू बी सेटिस्फाइड, जिसमें की ये वाली जो कंडीशन है सिर्फ आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर, यही वाली कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी, एक डिसएडवांटेजेस थी, क्या थी, एक बार दो बार से समझ लो, रटना नहीं है, कि जो हमारा क्या था, मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज था, उसमें क्या कमी थी कि जो इंडक्टेंस है, जो हमने क्या लिया था, अननोन इंडक्टेंस लिया था एल, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते तो उस कंडीशन में जो आर टू है, जो रेजिस्टेंस है, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। इस कारण तो जो दोनों की दोनों कंडीशंस आई है वो क्या करेंगी, एक दूसरे को आपस में सेटिस्फाई नहीं करेंगी, जो बैलेंस की कंडीशंस आई हैं। इसीलिए जो हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है एसी ब्रिज का, वो डिफिकल्ट हो जाएगा किसकी कंपैरिजन में, जो सिंपल डीसी रेजिस्टेंस ब्रिज है उसकी कंपैरिजन में। और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो फर्स्ट वाली कंडीशन आई थी आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में जो हमने अभी मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज पढ़ा ना, इसी में ही क्या किया गया था, थोड़ा सा और इसमें ही मॉडिफिकेशन किया गया था। तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया तो इसको नाम क्या दे दिया, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसमें जो इंडक्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने इंडक्टेंस फाइंड आउट किया, वो भी मतलब इसकी दो बैलेंस कंडीशन निकाली जो कि एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। फिर क्या किया हमने, जब इसको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो हम इंडक्टेंस निकालेंगे वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस की फॉर्म में हमने क्या फाइंड आउट किया, इसका इंडक्टेंस फाइंड आउट किया। तो इसलिए इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, मैक्सवेल के इंडक्टेंस ब्रिज की, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम जो इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। बाकी अभी जब कराऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार पहले का नोट कर लीजिए।
सो देखिए गाइस, इसके बाद में लास्ट है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस यानी कि एलसी ब्रिज। सो ये क्या है, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, मैक्सवेल का जो इंडक्टेंस ब्रिज अभी हमने पढ़ा उसकी। दिस ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ अ कैपेसिटेंस एंड टू रेजिस्टेंस। ये भी आपको भी बताया था कि इस ब्रिज का यूज हम किस लिए करते हैं, जो इंडक्टेंस होगा एल उसको मेजर करने के लिए, किसके टर्म में, दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस के टर्म में। द आर्म पी क्यू, ये हमने पूरा का पूरा सर्किट बना लिया किसके, मैक्सवेल के एलसी ब्रिज का। तो इसमें जो आर्म होगी पी क्यू ऑफ दिस ब्रिज कंटेन अ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर सी वन, तो इसमें जो आर्म पी क्यू होगी ये क्या रखेगी, एक कैपेसिटर सी वन रखेगी कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर वन, जो कि क्या होगा, जो रेजिस्टेंस आर वन होगा उसके पैरेलल होगा। एक इंडक्टेंस लगा होगा एल और एक रेजिस्टेंस होगा क्या आर फोर, और एक्चुअल में हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, इस वाले इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। द आर्म क्यू आर एंड पी एस कंटेन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर थ्री एंड आर टू, और जो हमारे पास में आर्म है क्यू आर और पी एस, ये क्या रखती है, दो रेजिस्टेंस रखती है, ये आर थ्री और ये आर टू। तो जो हमने डायग्राम में बनाया वो ही सारा किसमें लिखा है, थ्योरी में लिखा है, इसलिए थ्योरी मैंने ऐसी कुछ ज्यादा भी आपको नहीं लिखा है कि आपको रटनी पड़ेगी, सिर्फ ये ही है कि अगर आपने डायग्राम बना ले तो डायग्राम के थ्रू आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी हमने जनरल बैलेंस कंडीशन पढ़ी थी किसके लिए, एसी ब्रिज के लिए, क्या आई थी, जेड वन अपॉन जेड थ्री इज इक्वल टू जेड टू अपॉन जेड फोर। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, तो इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री और जेड फोर की वैल्यूज निकालनी होती है। तो जेड वन किसके लिए था, इस वाले आर्म के लिए, तो इस वाले आर्म के लिए अगर हम जेड वन की वैल्यू निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालोगे आप, वन अपॉन जेड वन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है आर वन, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अगर क्या लगा हुआ होता, इंडक्टेंस लगा होता तो डायरेक्टली क्या टर्म आ जाती, जे ओमेगा एल वन आ जाता, और अगर कैपेसिटेंस है तो वन अपॉन जे ओमेगा सी वन आया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो, ये वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, जे ओमेगा सी वन। इसके नीचे आप क्या कर लो, वन लेट करके सोल्व कर लो, तो वन की वन में मल्टीप्लाई वन, आर वन की इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे जे ओमेगा सी वन आर वन, आर वन की वन में करोगे तो कितना हो जाएगा आर वन, और इज इक्वल टू में चल रहा है वन अपॉन जेड वन। इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो जेड वन किसकी इक्वल आ जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जेड वन की। इसके बाद में अगर हम Z2 देखें तो Z2 क्या होगा, जो इस वाली हमारे पास में ये वाली जो R में इसके लिए रेजिस्टेंस है कितना R2, तो Z2 हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा R2 के। फिर Z3 की बात करें तो वो इस आर्म के लिए लोगे आप इम्पीडेंस, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है R3, तो Z3 किसके इक्वल हो जाएगा R3 के। अगर Z4 की बात करें तो ये इम्पीडेंस किसके लिए होगा, जो RS आर्म है इसके लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4 प्लस यहाँ पे जो हमारा इंडक्टेंस है वो क्या है L है, तो इसके लिए टर्म आ जाएगी जे ओमेगा L। अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई है Z1, Z2, Z3 और Z4 की, इनको किस में रख दोगे आप, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख देना ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार पहले यहां तक नोट करो, फिर से आगे कराऊंगी। देखिएगा वैल्यूज पुट करेंगे Z1 के प्लेस पे, Z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा C1 R1, फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय कितना है Z3, Z3 की वैल्यू कितनी आई है R3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से Z2 की वैल्यू कितनी आई है R2 डिवाइडेड बाय Z4 की वैल्यू कितनी आई है R4 प्लस J ओमेगा L। अब यहां से अगर आप देखो तो इन दोनों टर्म्स की क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या टर्म बनेगी R1 अपॉन R3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस J ओमेगा C1 R1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 प्लस J ओमेगा L।
इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, आर वन आर फोर प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं आर वन जे ओमेगा एल इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्टर्म की इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा आर टू आर थ्री प्लस अंदर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अंदर कितना मिल जाएगा आर वन आर टू आर थ्री जे ओमेगा सी वन ये टर्म मिल जाएगी। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, जो रियल पार्ट है उनकी कंपैरिजन कर लीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनको, यानी कि आप इक्वेट कर लोगे इस इक्वेशन से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो लिख देना ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो कंपैरिजन करोगे यहां से देखो आपको मिलेगा आर वन आर फोर किसके इक्वल आएगा, ये आर टू अपॉन आर थ्री के, सॉरी आर टू इंटू आर थ्री के, तो आर थ्री को अपॉन में लेकर क्या हो आर वन अपॉन आर थ्री किसके इक्वल आ जाएगा यहां से आर टू अपॉन आर फोर के लिए। तो यही तो हमने उसके डिसएडवांटेज में लिखा था कि ये वाली कंडीशन तो क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, लेकिन हमें इंडक्टेंस के लिए निकालनी है। एंड जब आप इमेजिनरी पार्ट्स को देखोगे तो यहां से देखो जे का कोफिशियंट क्या जाएगा R1 ओमेगा L किसके इक्वल आएगा, ये यहां से J का कोफिशियंट क्या है R1 R2 R3 ओमेगा C1, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, R1 से R1 कैंसिल आउट, तो L की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में R2 R3 C1। तो इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन ए और इसको ऐड कर लोगे इक्वेशन बी। तो हमने क्या कहा था कि जो मैक्सवेल के एल से बीच है इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते हैं किसके टर्म में, दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस की फॉर्म में, तो वही तो निकल करके आया। तो आप क्या लिख दोगे इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी इज द कंडीशन फॉर बैलेंस, इज द कंडीशन फॉर बैलेंस, यानी कि ये क्या है बैलेंस के लिए कंडीशंस है। तो इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, इसकी बची एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो करते हैं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। सो देखिएगा इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी डज नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन, यानी कि जो दोनों की दोनों इक्वेशन आई हैं किसकी, जो मैक्सवेल का एलसी ब्रिज है उसके लिए जो दोनों की दोनों इक्वेशन आई हैं उनमें किसी में भी क्या होती है फ्रीक्वेंसी शो अप नहीं होती, फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं देती, तो ये क्या है इसकी एडवांटेज है। सेकेंड इट इज वेरी यूजफुल इन मेजरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस एट पावर एंड ऑडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि क्या होता है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, यानी कि लाभदायक होता है किसमें, इन द मेजरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की जो ज्यादा रेंज होती है उनको मेजर करने में किस पे, पावर और ऑडियो फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। सेकेंड है इसकी जो डिसएडवांटेजेस है यानी कि इसकी कमियां क्या क्या है, तो वो है फर्स्ट है दिस ब्रिज रिक्वायर्स अ वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर विच मे बी एक्सपेंसिव इट सेलिब्रेटेड टू हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि इसमें जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड होता है, जो हमने क्या किया था कैपेसिटर लगाया था ना, वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता है। सेकेंड है द ब्रिज इज लिमिटेड टू मेजरमेंट ऑफ लो क्यू कॉइल्स, यानी कि जो ब्रिज है ये लिमिटेड होता है किसको मेजर करने में, लो क्यू कॉइल्स को। तो ये इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है यानी कि लाभ और इसकी कमियां हैं। और इसी के साथ में ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है, कल को नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे इसमें वील्स ब्रिज और सिरिंग्स ब्रिज एंड देन आपका वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे अपना सेमेस्टर नेम और जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उसका मैसेज कर देना 9389897616। कॉल नहीं करनी, ओनली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और एक बात और बच्चों, जो कॉस्ट होगी कंप्लीट कोर्स की वो ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी है, 98 रुपीज। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स के चाहिए तो 98 रुपीज है कॉस्ट, और अगर आपको केमिस्ट्री के चाहिए अलग से तो उसकी भी 98 है। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए लेते हो तो उस कंडीशन में आपको छूट मिल करके 158 रुपीज में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, जो कि बहुत छोटी सी कॉस्ट है आपके लिए महीने।
महीने का रिचार्ज भी इससे महंगा ही होता है आपका, ठीक है। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर इंग्लिश में नोट्स बना रहे हो आप क्लास से, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप इजीली बना सकते हो, जो क्लास के नोट्स है वो ही आपको वहां पर मिलते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।